आखिर इतने कंफ्यूज क्यों रहते हैं मनोज तिवारी? यह हेडिंग निश्चित तौर पर आप लोगों को चौंका रही होगी, लेकिन आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने मनोज तिवारी के उन वायरल वीडियो को जरूर देखा और सुना होगा जिसमें मनोज तिवारी पत्रकारों के सवालों के या तो ढंग से जवाब नहीं दे पाते हैं या जवाब देते हैं तो उसमें तथ्यों की भारी गलती होती है। मनोज तिवारी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं, लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी बयान देते समय वो अपनी ही पुरानी लाइन को या तो काटते हुए नजर आते हैं या उसके खिलाफ तथ्यों को आंकड़ों को रखते हुए नजर आते हैं। आज मौका था प्रदूषण पर बोलने का, मनोज तिवारी प्रदूषण पर बोले, खूब बोले और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरा, उन पर निशाना बनाया और ये सही भी है कि दिल्ली की हालत आज भयावह है, दिल्ली गैस चैम्बर में बदल गई है, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल्ली वासियों की औसत आयु 12 साल कम होने का दावा किया तो वो क्या क्या बोल गए, जरा सुनिए। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है, बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। सुना आपने, जिसको जिस यहाँ पर भाजपा सांसद बात कर रहे हैं दिल्ली वासियों की औसत आयु 12 साल कम होने का, और वो भी अरविंद केजरीवाल के शासन में पिछले 8-9 सालों के दौरान के रिसर्च के बाद। लेकिन अब जरा इसको सुनिए, इसी बयान में बोलते बोलते अब मनोज तिवारी 12 साल औसत आयु कम होने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन यह कितने वर्षों में कम हुआ है उसके बारे में वो क्या बता रहे हैं, जरा इसको सुनिए। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। सुना आपने, पहले 8-9 वर्षों में 12 वर्ष की औसत आयु कम होने की बात कही गई और उसी बयान में अब 7-8 वर्षों में 12 वर्ष की औसत आयु कम होने की बात कही गई, यानी यह 8-9 वर्ष के दौरान हुआ या 7-8 साल के दौरान हुआ, इसको लेकर मनोज तिवारी कंफ्यूज है। वैसे तो अपने आप में यह एक साल का जो फर्क है वह कोई बहुत बड़ा मसला या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा मुद्दा तो कतई नहीं है जिसको लेकर मनोज तिवारी को घेरा जा सके, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपके रवैये के बारे में पता लगता है कि जब आपका मुकाबला आम आदमी जैसी पार्टी के साथ हो जो एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को पकड़कर राजनीतिक मुद्दा बना देती है, तो ऐसे राजनीतिक दल को घेरने के लिए जब आप कोई बयान देते हैं, जब आप कोई बाइट देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी पकड़ तथ्यों पर होनी चाहिए, आपके बयान एक सुर में होने चाहिए और आपके बयान में कहीं भी एक लाइन तो छोड़िए, एक वर्ष तो छोड़िए, एक शब्द की भी भिन्नता, एक शब्द का भी अंतर कतई नहीं होना चाहिए। कम से कम मनोज तिवारी जैसे नेता को तो जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिनको लगातार दो बार दिल्ली की जनता ने चुनकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में बतौर सांसद भेजा है, वो कैजुअली इस तरह से अपना बयान कैसे दे सकते हैं। दिल्ली अपनी किस्मत, आइए आपको एक बार फिर से दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का पूरा बयान सुनवाते हैं। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है, बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए,
एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है।